अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और जो ये वीडियो है वो मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के बना रहा हूँ, माय फर्स्ट वीडियो इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का टूर आपको बाद में करवाऊँगा, बट पहले सोचा आपके साथ अपना लंदन टू ग्लासगो वाला एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि लंदन से ग्लासगो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मजाक हंसी वाला भी है, थोड़ा सा टेंशन वाला भी है, बट लर्निंग है। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है और इस हर काम से इंसान सीखता है कुछ ना कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने लंदन से ग्लासगो आने का सोचा तो मैंने टिकट बुक करवाई अपनी 25 पाउंड्स के 31 दिसंबर को। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा चलो यार अब आया तो हूँ तो न्यू ईयर देख के जाता हूँ। जब न्यू ईयर देख फिर मैंने टिकट अपनी चेंज करवाई। मैंने उनसे कहा कि जी मेरी टिकट आप चेंज करें, रिफ़ंड करें। उन्होंने कहा रिफ़ंड नहीं होगा आपको, हम रिडम्शन देंगे, आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो रिडीम कर लें। उन्होंने 25 पाउंड मुझे रिडीम में दिए। फिर मैंने नेक्स्ट डे की टिकट की 40 पाउंड्स की। यहाँ पे दो बसें चलती हैं, मेगा बस और नेशनल एक्सप्रेस। तो मैंने नेशनल एक्सप्रेस की करवाई। उन्होंने कहा जी आपकी पहली की मैंने टिकट कराई रात को 12:30 बजे की। मैंने कहा यार मेरी जो घर जहाँ पे मैं एकोमोडेशन ले रहा था वहाँ से आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स दूर थी। तो मैंने कहा चलो यार 1.5 घंटा पहले निकलता हूँ तो टाइम से पहुँच जाऊँगा। मैंने 1.5 घंटा पहले घर से निकला, अपना लगेज पकड़ा, बैग पकड़ा, जी टाइम से पहुँच जाऊँगा। मैं निकला, उससे पहले जो मेरे साथ हुआ वो बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ आने से पहले मैप को सीख कर आना है आपने, कि मैप कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रैवल पैदल वाला मैप कैसे यूज़ होता है, और जो ट्रांसपोर्ट जो बस में होता है और जो कैब में होता है वो कैसे यूज़ होता है। क्योंकि अगर वो आपको नहीं यूज़ करना आएगा तो आपको यहाँ पे बहुत मसला होगा। मैंने आज तक कभी अपना मैप नहीं यूज़ किया क्योंकि रस्ते से बंद नहीं आते, और यहाँ पे आपका मोबाइल बंद तो आपकी आँखें बंद, आपका इम्पॉसिबल है कहीं भी पहुँचना। तो मैंने मैप डाला, मुझे स्टेशन बताया कि आपने इस स्टेशन पर बैठ के इस स्टेशन पर उतरना है। मैं स्टेशन पे गया, मेरी पहली ट्रेन मिस हो गई। मैं कहा शायद दूसरी ट्रेन है। दूसरी ट्रेन का वेट किया, मैं बैठा, मैं स्टेशन पे उतरा, फिर दूसरे स्टेशन पे बैठा, तीसरे पे उतरा, तीसरे से बैठा, चौथे पे उतरा। चौथे पे उतरने के बाद भी आपको क्या पता कि आपका बस स्टेशन कहाँ पे है। मैप चल रहा था, मैप मैंने चलाया, मैप चलते 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 मैं मैप को फॉलो कर रहा हूँ, साथ लोगों से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं इधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, विक्टोरिया बस स्टेशन किधर है, विक्टोरिया बस स्टेशन किधर है। और 5 मिनट रह गए मेरी बस छूटने में, तो पूछ के इधर बैठ उधर बैठ। और हाँ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, एक बहुत ही अच्छे भाई मुईद है मेरा, यूट्यूब के थ्रू उसने मेरे से रब्ता किया था। सिर्फ वो बंदा था जो उस रात को मेरा साथी था, उस बंदे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा, मैं कहा वेयर इज़ माई बस। मैंने कहा चलो बस स्टेशन में पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पर उनसे पूछ लूँगा कि यार वेयर इज़ माई स्टेशन। वहाँ गया, वहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ भी ना कैश पे कोई काम नहीं होता और लोगों से कोई काम नहीं होता। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी, उन्होंने कहा लुक एट दिस, वेयर इज़ चेक आउट, वेयर इज़ योर स्टेशन। मैंने स्क्रीन पे देखा, बड़ी बड़ी, मुझे समझ नहीं आया ग्लासगो की बस कौन सी है। मैंने किसी से पूछा, उसने कहा यार राइट साइड योर गेट नंबर इज़ 14। मैं गेट नंबर 14 पे गया, बट दिस इज़ नॉट माई गेट। फिर मैं परेशान, फिर मैंने स्क्रीन देखी गेट नंबर 17। मैं गेट नंबर 17 पे गया, मैं कहा दिस इज़ माई टिकट, वेयर इज़ माई बस। और बस वहाँ से गुजरी थी, उसने कहा वो देखो टाटा बाय बाय कर दो, चली गई क्या, अब इसका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं कहा वाह ये क्या हो गया, बस मिस हो गया रात के 10:30 बजे। मैंने कहा अनदर बस, ये वेयर आर यू गोइंग। उसने कहा अब कोई बस नहीं जाएगी, अब कल जाएगी। मैंने चेक किया, कल छुट्टी थी न्यू ईयर की, कोई बस नहीं जा रही थी। ठीक है भाई अब क्या करें। एक ट्रेन, फिर मैंने मोहित को कॉल किया, मैं कहा भाई मेरी बस छूट गया, मैं क्या करूँ। मोहित को कॉल इसलिए की क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काम जो होता है वो कैश से होता है, पेमेंट से होता है, कार्ड से होता है, कैश से कुछ नहीं होता। मेरे पास इन कैश था, मैंने कहा तेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए, कहता पड़े हुए हैं। मैं कहा हाँ मेरी बस छूट गई है और अब देख कौन सी बस है। उसने कहा यार जो बस है ना वो कोई नहीं है, ट्रेन ही है 1:05 बजे की, बुक कर दूँ। मैंने कहा यार स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से। उसने कहा यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन तू मुझे लाइव लोकेशन भेज, तुझे मैं गाइड करता हूँ तूने कहाँ से होना है, किधर होना है, कैसे होना है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, आई हैव लॉस्ट इट एवरीथिंग, कि यार अब मैं कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा। उसने कहा बाहर निकल, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, ये वाली बस में बैठ। वो बस में बैठ के मैं जब स्टेशन पे पहुंच गया, स्टेशन पे पहुंचने के बाद उसने कहा मैं तेरी टिकट बुक कर रहा हूँ। उसने मेरी टिकट बुक की। टिकट बुक करने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ 4 घंटे वेट किया अपनी ट्रेन का। ट्रेन आई मेरी, मैं ट्रेन में बैठा। 2 ट्रेन्स चेंज करनी थी, लाहौर से इडम्बरा की थी, इडम्बरा की थी, और इडम्बरा से ग्लासगो की थी। मैं उधर से इडम्बरा पहुँचा, वहाँ से फिर मैं ग्लासगो पहुँचा।
ग्लासगो पहुंचा। ग्लासगो पहुंचने के साथ भी फिर वही सब हुआ। मैंने मुहित को कॉल की, मैं कहा मुहित बस कहाँ से मिलेगी? उसने कहा तो यहाँ से बस मिलेगी, जाना राइट साइड था, बैठ लेफ्ट साइड वाली बस में गए। उसने कहा वो ये तो बस उल्टी चल रही है, तो बस उल्टी चल रही है। मैं कहा अब क्या करूँ? कहता आगे जाकर कहीं उतर जा। आगे गया कि सुनसान हो गया था, पैनिक फिर हो गया कि यार ये क्या हो गया, पूरी रात से एक तो बंदा जलील हो रहा है, लगेज आपने पकड़ा हुआ, इतना सारा सामान पकड़ा हुआ है, तो क्या। बीच में एक जगह पर रुक गया। रुकने के बाद वो सुनसान एरिया था, वहाँ पे दूर दूर तक बस का कोई नामो निशान ही नहीं। कैब के भाई 100-200 पाउंड्स लेने हैं। मुहित मेरे साथ कॉल पे, मैं कहा यार अब भाई मैं क्या करता, कुछ नहीं होता। उसने मेरा अगेन थैंक यू सो मच, मुहित ने मुझे मेरा बड़ा साथ दिया। उसने मुझे, अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं परेशान हो जाता। उसने कहा यार तू ईजी हो, कुछ नहीं होता, बस आने वाली है। आधा पौना घंटा वहाँ वेट किया। लंदन ग्लासगो में ना 4 बजे अंधेरा हो जाता है, लंदन में 2 बज गए थे। मैंने कहा यार अंधेरा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? उसने कहा इजी को कुछ नहीं होता। और ये बातें करते आधे घंटे में मेरी बस आ गई, मैं बस में बैठा। और दूसरी बात, मेरे पास कैश था, वो कार वो 10 पाउंड्स का नोट था, मेरे पास 20 पाउंड का नोट था। यहाँ पर जो होता है बसेस वाले कहते हैं जी हमें आप पूरा कैश दें या कोइंस दें जितने की आपकी टिकट है। मैं कहा आई हैव जस्ट 10 पाउंड्स या 20 पाउंड्स, आई हैव नो कोइंस, नो गिव मी या गिव मी। मैं कहा आई एम न्यू इन दिस कंट्री, ओके आई हैव अ सीट। उसने मुझे बिठा दिया। बैठने के बाद मैं एक स्टेशन पर उतरा, दूसरे स्टेशन पर उतरा। उसने कहा जी आप पैसे टूटे हुए दें मुझे। मैंने कहा यार मेरे पास आए नहीं तो मैं टूटे हुए कहाँ रखूँ? मैं कहा तू 10 पाउंड ही रख ले यार, लेकिन मुझे जाने दे। कहता नहीं कीप इट चेंज। फिर पीछे से एक गोरी है, उसने कहा डोंट वरी यू टेक अ सीट आई विल पे। उसने पे किया, उसने कहा वेलकम टू ग्लासगो, वो करके मैं वहाँ उतर गया। उतरने के बाद सुने फिर क्या, मैंने घर के लिए मैप लगाया, जाना कहीं था चला कहीं और गया। तो इसमें जो एटलीस्ट मैं घर पहुंचा 3-3:30 बजे, बट मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, घर पहुंच गया। और घर जाके सामान रखा, लेटा। तो बताने का मतलब ये है कि आपने आने से पहले मैप सीख कर आना, फर्स्ट। सेकंड, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना आपने कहीं पे भी। मेरे जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा आपका इंशाल्लाह, बट अगर हो भी जाए तो परेशान नहीं होना, ये लंदन है, इधर कुछ भी नहीं होता, इधर सब कुछ ईजी होता है। बट अब फेसली टाइमली मैं पहुंच गया, मैप मुझे अभी भी यूज़ करना नहीं आया सही, पर आस्ता आस्ता आ गया कौन सी बस कहाँ से कैसे यूज़ करनी है। सो ये मेरा, हाँ जो मेरी ट्रेन की टिकट थी वो मेरी 70 पाउंड की थी, मुझे मिली। तो अगर जो लंदन से ग्लासगो आ रहे हैं वो ट्रेन करवाएँ, उसका जो वे है वो 5 घंटे है और थ्रू बस जो है वो 10 घंटे है। तो 10 घंटे पूरी रात आप परेशान कर कोई ट्रैवल कर सकता तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन करवाएं, कंफर्टेबल होती है, खाली होती है, आराम से सो के आएँ, चिल करके आएँ, रास्ते रुस्ते देख कर आएँ, तो 5 घंटे में आपको ट्रेन पहुंचा देती है। तो ये था मेरा लंदन टू ग्लासगो का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इसको भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ कि ये भी एक लर्निंग है, ये भी एक, इसमें भी एक सबक है कि इस सिचुएशन में भी आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह की ज़ात बैठी है, ऊपर वाली ज़ात बैठी है, वो कहीं ना कहीं से सबब बना देती है। मेरा सबब मुहित को बनाया, तो इसलिए आपके साथ भी अगर कुछ हो तो परेशान नहीं होना, बस पॉजिटिव रहना और कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना। उम्मीद करूँगा आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। चैनल, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।